नमस्कार साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। राजस्थान दुनिया में जाना जाता है अपने आलीशान महलों और यहाँ फैले रेगिस्तान के लिए। राजस्थान में साल भर लाखों पर्यटक यहाँ के महलों को देखने, रेगिस्तान में घूमने और राजस्थान की संस्कृति को जानने के लिए देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यहां आकर आप राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को जान सकेंगे, यहां की संस्कृति और यहां की प्राचीन इमारतों को भी देख सकेंगे। तो चलिए जानते हैं राजस्थान के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी के नाम से फेमस जयपुर एक खूबसूरत शहर है और राजस्थान की राजधानी भी है। ये शहर अपने शाही किलों, महलों, प्राचीन इमारतों और आकर्षक होटलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर मेनली आने वाले पर्यटक यहाँ के बड़े बड़े किलों और विशाल महलों को देखने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। अगर आप भी जब कभी यहाँ पर घूमने के लिए जाएँ तो यहाँ स्थित हवा महल, एम्बर फोर्ट, जैगर फोर्ट, जंतर मंतर, जल महल, सिटी पैलेस और रामबाग पैलेस, इन जगहों पर जरूर जाएं। ये सभी जगह जयपुर की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है जैसलमेर। अगर आप राजस्थान घूमने का मन बना रहे हैं तो आपको जैसलमेर जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जो आपके इस सफ़र को एडवेंचरस बना देगी। जैसलमेर में आप घूम सकते हैं जैसलमेर के किले में, गड़ीसर झील में, जैन मंदिर, पटवों की हवेली, अमर सागर झील में, डेजर्ट नेशनल पार्क में, ताजिया टावर और बादल महल में। ये सब जगह यहाँ के मेन टूरिस्ट प्लेस हैं। यहाँ आकर आप डेजर्ट और जीप सवारी का मजा भी ले सकते हैं। इसके बाद राजस्थान का अगला टूरिस्ट प्लेस है जोधपुर। जोधपुर राजस्थान का एक प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण केंद्र है। इस शहर की स्थापना 1459 में राठौर राजपूत राव जोधा सिंह द्वारा की गई थी। यहाँ पूरे साल भर अच्छी धूप निकलती है, इस कारण इस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जब आप जोधपुर घूमने के लिए आएँ तो यहाँ पर बड़ा बाग, सलीम सिंह की हवेली, थार हेरिटेज म्यूजियम, इन जगहों पर भी जरूर घूमें। ये यहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और ये जगह राजस्थान के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से भी एक है। इसका एक कारण ये भी है कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन माउंट आबू का मौसम हमेशा ही सुहाना बना रहता है। इस कारण से ये एक फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप घूम सकते हैं नक्की झील में, गुरु शिखर, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, सनसेट पॉइंट और टॉल्ड रॉक में। ये यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके अलावा आप नक्की झील में बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बीकानेर। बीकानेर शहर को भी राजपूत शासकों ने बसाया था। इस शहर की स्थापना 1488 में राव बीका ने की थी। ये शहर अपने स्वादिष्ट मिठाइयों और स्नैक्स के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आप बीकानेर आते हैं तो आप यहाँ के किलों को जरूर देखें और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का मजा जरूर लें। इसके अलावा आप यहाँ पर घूम सकते हैं जूनागढ़ के किले में, लालगढ़ महल में, ऑन कैमल में, लक्ष्मीनाथ मंदिर में, गंगा सिंह म्यूजियम में और जैन मंदिर में। ये यहाँ के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है उदयपुर। उदयपुर भी राजस्थान का एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है और ये जाना जाता है अपने मठों और झीलों के लिए। ये शहर पहले मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों की राजधानी हुआ करता था और अब अपने सुंदर महलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी साल भर देसी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। उदयपुर में आप घूम सकते हैं सिटी पैलेस में, लेक पिछोला में, लेक पैलेस, रॉयल विंटेज कार म्यूजियम में, सहेलियों की बाड़ी और मोती नगरी, इन जगहों पर आप घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का नाम तो आपने इतिहास की किताब में जरूर सुना होगा। इस शहर की इमारतें आज भी अपने त्याग और वीरता की कहानी को बताती हैं। ये जगह अपने चित्तौड़गढ़ के किले के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ एक विशाल किला है।
इसके अलावा इस किले में रानी पद्मिनी का महल भी है। चित्तौड़गढ़ में आप घूम सकते हैं मीरा मंदिर में, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य में और गौमुख जलाशय में, के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके बाद राजस्थान घूमने का अगला स्थान है अजमेर। अजमेर अपने किलों के लिए तो पूरी दुनिया में जाना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ अपने धार्मिक स्थानों के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। ये शहर पुष्कर झील के पास में स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। अजमेर हिंदू और मुसलमानों दोनों ही धर्म के लोगों के लिए खास जगह है। यहाँ पर प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह है, तारागढ़ का किला है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, आना सागर लेक है और सोनी जी की नसियाँ यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद राजस्थान का अगला प्रमुख स्थान है, वो है पुष्कर। पुष्कर जो ये जगह है, ये अजमेर जिले में स्थित है और हिंदुओं के लिए ये जगह एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि ब्रह्मा जी का दुनिया में एकमात्र मंदिर यहीं पुष्कर में स्थित है। यही कारण है कि ये जगह इतनी फेमस है। यहाँ पर स्थित एक पवित्र पुष्कर झील भी है। इसके अलावा ये शहर कई हिंदू पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। पुष्कर में ऊँट के मेलों का आयोजन भी होता है, इसे देखने के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे घूम सकते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में, सावित्री मंदिर में और मन महल में। ये यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके बाद अंतिम स्थान पर आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को राजपूत महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर घूमने के प्रमुख स्थान हैं रणथंभौर का किला और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आज़ादी से पहले रणथंभौर के जंगल जयपुर के राजाओं के लिए शिकार की जगह थी, तो अगर आप राजस्थान घूमने के लिए आएँ तो रणथंभौर किले में भी जरूर घूमें। ये जगह राजस्थान के गौरवमयी इतिहास को दर्शाती है। तो ये थे राजस्थान के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आप राजस्थान में घूमने का मन बना रहे हैं तो आप इन सभी प्लेसेस पे घूम सकते हैं। इन सब के ऊपर हम अपने अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिनमें हम हर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देंगे कि आप यहाँ पे कैसे पहुँचें, कब जाएं, कितना यहाँ पे घूमने का खर्चा आता है, वो सब हम बताएंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पे टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।